那么。 प्रणाम सभी लोगों को मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आइए हम सब लोग अभी शाम का जो टाइम है हमारा संध्या का टाइम है इसमें हम लोग सात बजे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करते हैं हर रोज कुछ ना कुछ हम पढ़ते रहते हैं तो आज का जो टॉपिक है ये है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कुछ ना कुछ मानसिक आघात हो गया और उसकी वजह से इंसान जब ट्रॉमा में रहता है मानसिक बहुत ज्यादा उसको डिप्रेशन रहता है स्ट्रेस रहता है तो उसमें हम लोग आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग क्योंकि हम लोग का बहुत ज्यादा स्कोप है वो लोग साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेते हैं नहीं तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं एंग्जाइटी होती है फिर फ्लैशबैक होता है पिछला सब चीज याद आता है बार बार ऐसे बहुत घटनाएं लाइफ में ऐसा होती है लाइफ है तो सुख और दुख तो आते ही रहता है तो दुख में क्या रहता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन आता है कभी कभी किसी का किसी से बहुत अटैचमेंट है प्यार है वो कोई भी रूप में हो सकता है वो अगर छूट जाए तो बहुत डिप्रेशन आता है अब वो अटैचमेंट हो सकता है पैसे के लिए हो दोस्ती के रूप में हो किसी का एक्सीडेंट हो जाए और डेथ हो जाए तो वो ट्रॉमा होता है या किसी ने बहुत सताया किसी को बहुत तकलीफ किया जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले सास जो थी वो बहू को बहुत ज्यादा ट्रॉमा देती थी बहुत ज्यादा तकलीफ देती थी दिमाग पे स्ट्रेस रहता था तो ऐसे और भी बहुत सारे कारण होते हैं सौतेली माए बहुत तकलीफ देती है या फिर गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो इसी पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले मैं आप लोग को स्क्रीन पे कुछ दिखा के फिर मैं आप लोग से बात करता हूँ आप लोग के पास भी ऐसे पेशेंट जरूर आते हैं और आने चाहिए जो जिनको आपको ठीक करना है जरूरी नहीं है कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेके ही वो ठीक हो हम आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग मनोरोगों में मानसिक रोगों में बहुत अच्छा काम करते हैं तो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो रहता है पीटीएसडी ये ऐसा कंडीशन रहता है कि उसमें बहुत ज्यादा लाइफ में टेरिफाइंग इवेंट होता है कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो कोई भी नॉर्मल इंसान को बर्दाश्त नहीं होती है उसमें सिम्टम्स में ये रहता है कि इंसान वही चीजें सोचते रहता है जो पहले उसके लाइफ में हो चुकी हैं उसी तरह से रात को उसको बहुत ज्यादा सपने आते हैं वही वही बातें दिमाग में चलती रहती हैं उसको बहुत ज्यादा व्याकुलता रहती है उसका चित्त विभ्रम रहता है बहुत ज्यादा और उ, उसके जो थॉट्स रहते हैं वो अनकंट्रोलेबल रहते हैं उसको ना मतलब वो अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है मन में जैसे मराठी में बोलते है गोंधड़ चल रहा है गोधड़ हो रहा है बहुत ज्यादा कंटिन्यू विचार आ रहे हैं कंटिन्यू विचार आ रहे हैं हम लोगों ने ये पढ़ा है कि चिंता देती रसव रसवस्त्रोत की दृष्टि होती है उसका इफेक्ट ग्रहणी पे भी होता है अग्नि पे भी होता है

और उसको वो सिचुएशन से बाहर निकलने में बहुत तकलीफ होती है लेकिन अगर टाइम दिया जाए और प्रॉपर केयर किया जाए डॉक्टर के रूप में या फ्रेंड के रूप में या घर वालों के रूप में तो वो थोड़ा ठीक होता है लेकिन कभी कभी ऐसी बदकिस्मती आती है कि एक के बाद एक एक के बाद एक बहुत ज्यादा तकलीफें होती है तो अगर इंसान जो है वो हम लो कैसे लोग कैसे नॉर्मल लोग हैं तो ऐसा बताया ग्रंथों में कि तीन प्रकार का मन होता है सत्व होता है एक प्रवर सत्व एक मध्यम सत्व और एक अवर सत्व प्रवर सत्व वाले जो हैं वो ऋषि मुनि हैं या रामचंद्र भगवान है उनके लाइफ में दुख आया रामचंद्र भगवान के लाइफ में दुख आया कि कल वो राजा बनने वाले थे पूरे अयोध्या में खुशियों का माहौल था और उसके बाद में उनके पिताजी माताजी ने बोल दिया कि जंगल में जाओ चौदाह साल एक दिन नहीं चौदह साल जाओ बिना कोई राज सुख भोगे और जाओ तो लेकिन वो प्रवर सत्व के थे उन्होंने कहा कि माता के कई से तो मेरा कभी कुछ ऐसे पंगा हुआ नहीं है और उन्होंने तो मुझे, मुझे विधि का विधान है कि मुझे कुछ काम करना है उन्होंने इसको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी में लिया और फिर वो गए और जंगल में जाके और उन्होंने रावण का वध किया और राक्षसों का सहार किया उन्होंने इस चीज को पॉजिटिव सोचा ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि रतन टाटा थे तो रतन टाटा जी जो थे ना उन्होंने इंडिका कार बनाई इंडिका कार बनाई ये 97 सेवन एट की बात है तो उन्होंने अमेरिका में ये वहां की सरकार को दिया कि ये इंडिका कार है आप लोग यहाँ पे मार्केट करिए तो जो वहां के जो कार की कंपनी थी नंबर वन कंपनी लैंड क्रूसर उसके मालिक ने उनका मजाक उड़ाया कि ये क्या कोई भी कार लेके आते हो कुछ भी लेके आते हो आप उन्होंने फिर वो ना न्यूयॉर्क से जब आने लगे वॉशिंगटन तो उसमें प्लेन में ही उन्होंने सोचा कि मैं इसको अपॉर्चुनिटी लेता हूं। मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि मैं गरीब देश का या पहले गुलाम देश का मैं देश से आया हूँ उन्होंने क्या बोला कि एक दिन में इन मन में सोचा इसकी कंपनी मैं खरीदूंगा और फिर उन्होंने ऐसा किया अपना बिजनेस बढ़ाया उन्होंने यहाँ नैनो कार का लॉन्च किया और फिर धीरे धीरे इतना अपने को बढ़ाया कि जब उनकी कंपनी जो थी लैंड प्रूसर वो उसमें चली गई मतलब बहुत बैंक होने लगी तो उन्होंने रतन टाटा को अप्रोच किया कि आप हमारी कंपनी लो तो उन्होंने वो लैंड क्रूजर कंपनी ली और जो जगवार नाम का जो कार आता है वो भी उनका ही है और वहां पे विदेशी लोग काम करते हैं और तो ये रतन टाटा है वो नेगेटिव चीज को भी अपॉर्चुनिटी बनाते हैं ऐसे ही क्या हुआ कि मुकेश अंबानी जी हैं मुकेश अंबानी जी के जो जामनगर की रिफाइनरी है वहां पे बहुत प्रदूषण हो रहा था तो उनको बोला गया कि आप ये रिफाइनरी बंद करो नहीं तो हम आपका सब बंद कर देंगे रिफाइनरी नहीं होना चाहिए उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी लिया उनके लाइफ में जो भी होता है ना उसको अच्छा बनाते हैं उन्होंने क्या किया कि वहां आम के पेड़ लगा दिए साढ़े छह सौ एकड़ में केवल आम आम लगा दिए और जो आम है वो नंबर वन आम बनाया और वो प्रोडक्शन होता है आज मतलब वो पूरे एक्सपोर्ट होता है पूरे यूरोप में अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है उससे भी पैसा कमाया तो जो प्रवर सत्व के लोग रहते हैं ना चीज को अपॉर्चुनिटी समझते हैं हैं और हम साधारण लोग जो है वो मध्यम सत्व के जैसे अर्जुन है अर्जुन जो है वो मध्यम सत्व के हैं उनको किसी गुरु या काउंसिलर की जरूरत है कृष्ण भगवान काउंसलिंग करते हैं वो युद्ध करने लगते हैं और जो अवर सत्व के लोग रहते हैं जो बहुत दिल के कमजोर रहते हैं वो तो डिप्रेशन में जाते हैं सुसाइड कर लेते हैं वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो हम इस हिसाब से हमें देखना चाहिए प्रवर सत्व वाले तो लीडर्स रहते रहते हैं हैं बहुत ग्रेट लोग उसको उसको हर चीज को वो में कन्वर्ट कर देते हैं वो खुश रहते हैं उनके लाइफ में जो भी टर्निंग पॉइंट आया टेरिफाइंग इवेंट्स आए उसको वो अच्छा उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं मध्यम सत्व के लोग डिप्रेशन में जाते हैं एंगजाइटी में जाते हैं और जो अवर सत्व है वो तो थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो अभी जो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो मध्यम सत्व और अवर सत्व हीन सत्व वालों के लिए ये होता है तो ये सिम्टम्स जो रहते हैं स्ट्रेस डिसऑर्डर ये दिनों दिन बढ़ते जाता है कभी महीनों महीनों रहता है कभी कभी सालों साल रहता है और ये पूरी अपनी जो लाइफ है उसको ये पूरी तरह से अलग ही बना देता है मतलब कुछ अजीब ही लाइफ हो जाती है करना कुछ और चाहते थे लेकिन कुछ और हो जाता है

जिनको हम लोग उन्माद अपने बोलते हैं वो सब हो जाते हैं तो आप लोग ने ऐसे पेशेंट देखे होंगे आप लोग भी जरूर बताइएगा मैं कुछ बताता पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर सिम्टम्स जो रहते हैं तो वो पहले तीन वो पहले महीने तक रहता है किसी को भी माइंड में जैसे किसी की डेथ हो गई घर में तो वो माइंड पे अफेक्ट रहता है उसका हर दुनिया में वही चीज दिखाई देता है जिससे ज्यादा अटैचमेंट रहता है तो इसमें मेमोरीज जो रहती है अपनी स्मृति रहती है वो बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और कोई भी चीज है ना वो याद नहीं करना चाहता है केवल वही चीजें याद रहती है जो उसको दुख दिया है वही चीजें उसको याद रहती है अपने काम में मन नहीं लगता किसी में कुछ नहीं लगता हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं नमनेस बहुत ज्यादा आता है एंगजाइटी बहुत होता है व्याकुलता चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आता है और इमोशनल अरोजल होता है हाइपर अरोजल मतलब वो बहुत ज्यादा या तो डिप्रेशन में जाएगा में जाएगा या बहुत ज्यादा क्रोध में जाएगा क्रोध में जाएगा तो वो अपने आप को दुनिया से अलग करता है उसी तरह से उसको मेमोरीज में, में पुरानी बातें याद आती फ्लैश बैक होता है थोड़ी एक मिनट दो मिनट मिन के लिए आराम पड़ता है लेकिन वो चौबीस घंटे उसी तकलीफ में रहता है उसको सपने में भी वही वही, वही चीजें आती रहती है क्योंकि वो ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है उसी तरह से अगर उससे बात किया जाए तो वो उस बारे में बातें करना नहीं चाहता है उसी तरह से उसका माइंड जो है वो डिस्टर्ब रहता है वो वो उसके जो बुद्धि है है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती फॉर मैं एक असली कहानी सुनाता हूँ पास एक माता जी आती थी उनको वो ना थोड़ा से पागल साइको टाइप हो गई थी तो उनको ना अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन और त्रयोदशी के दिन ऐसे कुछ कुछ दिन ना उनके हाथ में ऐसा कमल का फूल बनता था जैसे टैटू बनाया तो और ये 2005 की बात है तो हर पूर्णिमा को ऐसे आता था और वो उस दिन बहुत ज्यादा वायलेंट होती थी या पागलपन के जैसे उनके झटके आते थे तो उनका कारण उनकी बेटी ने बताया कि आ, हम लोग मराठा है मतलब क्षत्रिय है और मैंने अपने एज से कम जैसे पांच साल छोटा नाई जो है बारबर नावी उससे भाग के शादी कर लिया हमारा बहुत अफेयर था तो मम्मी पापा मना कर रहे थे और हम लोग ने क्या किया एक दिन अचानक भाग गए और हम आए नहीं छ महीना आठ महीना आए नहीं तो ये ना मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा शॉकिंग हुआ कि मेरी बेटी अचानक भाग गई ये 2005 की बात है आज के जमाने में लड़कियां भाग गई तो कोई कुछ नहीं होता है वो नॉर्मल बात है उस जमाने में 2005 की बात है उस टाइम पे ये ज्यादा तकलीफ देता था वो मेरे पास 2005 में आई थी लेकिन ये एपिसोड और पहले हुआ था दस साल पहले हुआ था मतलब में ये हुआ होगा। तो ये उनके दिमाग पे ऐसा असर हुआ कि वो अवस्था में चले गई और उनको निशान दिखते थे ऐसे और एक साल बाद उनकी डेथ हो गई वो मतलब अरिष्ट सूचक लक्षण भी था और मानसिक ये ट्रॉमा भी था इसी तरह से जो ऐसा होता है ना जिसको पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर रहता है तो वो ना क्या करता है कि जो एक्टिविटीज रोज की रोज रहती है जिसमें उसको मजा आता है जैसे घूमने फिरने में दोस्तों के साथ रहने में उसको वो अवॉइड करता है और उसको फ्यूचर के बारे में होपलेसनेस रहता है उसको होप नहीं रहती कि आगे क्या होगा किसी की डेथ हो गया कोई एक्सीडेंट हो गया या पैसे का लॉस हो गया कुछ भी ऐसे जिसमें भी अटैचमेंट है वह अगर चीज खो गया ना तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है होपलेसनेस हो जाता है मेमोरी प्रॉब्लम होता है कंसंट्रेट नहीं कर पाता है अभी एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ तीन भाई थे तो वो लड़की ने क्या किया कि अभी हम बच्चा नहीं करेंगे अभी हम जॉब करेंगे तुम भी जॉब करो मैं भी जॉब करती हूँ तो दोनों जॉब करने लगे धीरे धीरे वो लड़की ने अपने उसके तीनों भाइयों से लड़ाई करवाया मतलब तीनों में लड़ाई करवाया कि हम अलग रहेंगे मम्मी पापा से भी अलग रहेंगे तो अब मम्मी पापा और भाई बोले कि ठीक है तुम अलग ही रहो तो प्रॉपर्टी घर सब अलग कर दिया गया बाद में वो लड़की क्या बोलती थी कि मैं तुमसे बच्चा नहीं होने दूंगी तो लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा अटैच हो गया था तो बाद में उस लड़की ने धीरे धीरे क्या किया कि सारा प्रॉपर्टी उससे अपने नाम पे लिखवा लिया फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उसको ना बहुत हैवी मैं जा रहे थे तो वो मेरे पास लेके आया कि इसको बहुत ज्यादा आ रहे मेटोरेजिया मेनोरेजिया और हो रहा है इसका इलाज करो तो मे, मेरा आदत है कि मैं हेतु निकालता हूँ में पता चला कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत खाती थी ओवर डोजेस खाती थी कि बच्चा ना बस हेतु बता के वो भाग गई वो आई नहीं मेरे पास लेकिन इसको फिर उसने क्या किया लड़की ने फिर कोर्ट में केस डाला फैमिली कोर्ट में क्योंकि वो लड़की का कहीं अफेयर था शादी के पहले अफेयर था इसलिए उसने ऐसा प्लानिंग किया था और ये पैसे वाला था तो इसने उस लड़की ने क्या किया कि अपने पति के खिलाफ जो मेरा दोस्त था उसके खिलाफ कोर्ट में केस डाला कि ये इम्पोर्टेंट है मतलब ये नपुंसक है और उसके लिए रिपोर्ट लेके आई कहा से पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स में कहा से पैसे दे के लेके आई ले और उसमें सीमेंट काउंट जीरो सब चीज जीरो 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 और कोर्ट में डाल दिया और इम्पोर्टेंसी के आधार पे उसको डिवोर्स भी मिल गया और मेरा जो क्लासमेट था उसको ये भी अक्कल नहीं हुआ कि कोर्ट में ये डाले अपील डाले कि ये टेस्ट कहीं और कराया जाए ये फेक हो सकता है वो अपने आप को ही कमजोर समझने लगा क्योंकि एक तो अपना दुख किसी को बता नहीं सकता था ना भाइयों को बता सकता था ना पापा मम्मी को बता सकता था और ये लड़की ने अपने सारे दोस्तों से भी अलग कर दिया था तो अब वो छोड़ के भाग गई तो वो ना चिट्ठिया लिखने लगा वो मेरे क्लिनिक में कभी कभी आता था लेकिन मुझे इतना डिटेल में नहीं पता था तो वो कभी कभी चिट्ठिया लिखता था और मुझे दिखाता था कि वो अपनी वाइफ को लिख रहा है ये वो मैसेजेस उसने बहुत अप्रोच किया कि माफ कर दो अगर मुझसे कोई गलती है माफ कर दो लेकिन वो लड़की जो थी बहुत ही दुष्ट थी मतलब उसका पहले से ही प्लानिंग था अब जिसकी प्रवृत्ति जैसे होती है जिस चीज में अटैचमेंट वो करेगा ही वैसा तो वो लड़की आई नहीं वापस और उसने पूरा प्रॉपर्टी ले लिया उसको कुछ भी नहीं दिया मतलब भिखारी बना दिया तो अब वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा अपने घर के बाहर ऐसे सोने लगा तो उसके पापा मम्मी ने उसको संभाला कि तुम आ जाओ अब तुम्हारे लाइफ में इतना हुआ है आप हमारे साथ रहो भाइयों ने संभाला तो वो बेड पे ही पॉटी कर देता था बेड पे ही यूरिन कर देता था तो एक बार वो मेरे पास आया तो मेरे पास बहुत हैवी रश था तो मैंने कहा मैं अभी नहीं देख सकता आप बैठो मैं बाद में बात करता हूँ तो वो इतना डिप्रेशन में था कि वो चला गया वहां पे पुलिस स्टेशन में चला गया और पुलिस के पास जाके बोलते हैं मुझे जेल में डालो पुलिस ने कहा हम क्यों डालेंगे तुमको कुछ गर, गलत करोगे तब तो तो उसने क्या पुलिस का वो जो रिवॉल्वर होता है वो पकड़ लिया तो पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया फिर उसके पेरेंट्स ढूंढते ढूंढते सब गए तो पता चला कि वो पुलिस स्टेशन में मतलब तो इतना डिप्रेशन में था और बाद में उसने सुसाइड कर लिया सुसाइड का कारण वो लड़की थी जिसने उसको इतना टॉर्चर किया उसको नपुंसक घोषित किया जबकि वो था नहीं नपुंसक ये खुद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती थी और फिर वो डेथ हो गया तो वो लड़की खुश उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लिया सारा प्रॉपर्टी भी मिल गया मतलब ऐसा होता है तो वो जो उसके माइंड पे कितना मेरे दोस्त के माइंड पे कितना असर हुआ पोस्ट पोस्टिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कितना खतरनाक ये कंडीशन रहती है कि अकेलापन महसूस होता है और हम क्यों जी रहे हैं हमारी क्या गलती है हमारे साथ ही क्यों हुआ ऐसा ऐसा दिमाग में बहुत आता है ऐसे ही क्वेश्चन द्रौपदी के दिमाग में आया था कृष्ण भगवान से वो बोली की हे मतलब उनको भाई मानती थी कृष्ण भगवान को वो बोले कि मेरा इतना अपमान हुआ और इतने बड़े बड़े विद्वान लोग थे इतने शूरवीर लोग थे भारत के हस्तिनापुर के इतने बड़े बड़े भीष्म पितामा द्रोणाचार्य इतने पांडव इतने ऋषि मुनि थे और सबके सामने मेरा चीर हरण हुआ तो मेरी क्या गलती है कि मेरा इतना अपमान जिंदगी में सबसे बड़ा अपमान हुआ कि कपड़े निकाल लो चीर हरण करो और अपमानित करो कितना बड़ा हुआ तो कृष्ण भगवान ने कहा ऐसा काउंसलर होना चाहिए मतलब ऐसे जो रहते हैं ना आप लोग भी वैसे ही हैं काउंसलिंग बहुत अच्छा करना चाहिए उन्होंने कृष्ण भगवान ने क्या बोला कि आपकी कोई गलती नहीं है आप तो सबसे पवित्र हैं लेकिन उनके पाप का घड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो फुटना जरूरी था अगर आप ऐसा नहीं करती आपके साथ ऐसा नहीं होता तो हमें पाप उजागर नहीं होता तो आप माध्यम बनी माध्यम बनी इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ तो ऐसे हमें काउंसलिंग करना चाहिए जब कोई पेशेंट आता है ना कि मेरे साथ ही क्या हुआ तो आपको बोलना चाहिए कि आपका गलती नहीं आप माध्यम है पाप का ग... ऐसे काउंसलिंग करने का ये ये रहता है टिप्स रहता है अब ये पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जब रहता है तो इसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इंसान को ए, एक ही चीज बार बार परेशान करता है कि ये क्यों हुआ उसको इरिटेबिलिटी होती है उसको बहुत ज्यादा अपने पे गिल्ट फील होता है उसको शर्म आती है बहुत ज्यादा समाज में और क्या है कि जब दुख आता है ना तो इंसान अकेला होता है तो उसको शर्म आती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्या हुआ बहुत ज्यादा बुरा हुआ उसका बिहेवियर जो रहता है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रहता है खुद को नुकसान पहुंचाता है और या तो वो शराब पीएगा या नशे काट देगा या सुसाइडल अटेम्प्ट करेगा और सो नहीं पाता है उसी तरह से वो डर जाता है चौंक जाता है रात को इसी तरह से उसको कुछ तो आवाजें सुनाई देती हैं उसको कुछ चीजें दिखाई देती है अभी ये होने लगता है जो इस दुनिया में चीजें नहीं है वो सुनाई देंगी जो नहीं है वो दिखाई देंगी होता है कभी कभी उसको भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में आता है कभी कभी मेरे पास ऐसे पेशेंट है वो बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है डिप्रेशन पेशेंट कि कोई गला दबा रहे हैं हमारा कोई आता है रात को हमारे पे पूरा हावी हो जाता है और गला दबाता है ऐसा फील होता है तो इसमें क्या हो जाता है ना मेंटल हेल्थ जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है या तो वो एंजाइटी में रहेगा वायु का प्रकोप होगा काम शोक वायु वायु का प्रकोप होगा और रजगुण बढ़ेगा तो वो क्या एंजाइटी में रहेगा अगर वायु का प्रकोप होगा और पित्त भी बढ़ा होगा तो क्रोध आएगा अगर कफ बढ़ा होगा और तम गुण बढ़ेगा तो डिप्रेशन में जाएगा तो उसका माइंड जो है ना जैसे नाव चलती है तो तूफान आने पर नाव कैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है तो ऐसा सत्व संप्लव होता है माइंड जो है वो जैसे डूबती हुई किश्ती है चल रही है तूफान में बारिश में ऐसा उसका माइंड रहता है, तो है इसी तरह से कितना कितना ट्रॉमा हुआ है है और माइंड पे उसने अफेक्ट किया उस पे अभी कुछ सब लोग डिप्रेशन में नहीं जाते मात में नहीं जाते कुछ लोग तो झेल जाते हैं सारे दुखों को झेल जाते हैं और भगवान भी कैसे है जो जितना दुख झेल सकते हैं उतना ही दुख देते हैं उसको टफ बनाते बनाने के लिए ऐसा कोई भी दुनिया में मनुष्य योनि में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में दुख नहीं आता हो सभी के लाइफ में दुख आता है लेकिन इंसान या तो टूट जाता है या फिर बढ़ जाता है मतलब आगे चला जाता है या फिर टूट जाता है ऐसा रहता है तो इसमें क्या रहता है पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी भी चेंजेस हो जाती है कभी 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 जो ब्रेन में केमिकल्स रेगुलेट कर रहे हैं जैसे डोपामाइन है हैप्पी हार्मोन है फिर सेलेटोनिन है एड्रीन है

उसी तरह से उस आ, 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 अगर कभी कभी वो बहुत ज्यादा एक्सप्लाटेशन हुआ उसका लाइफ में तो अभी इसके कारण और भी हो सकते हैं कुछ ऐसे लाइफ में कारण होते हैं जैसे किसी बच्ची है या कोई पुरुष भी है बच्चा भी है उसके लाइफ में अगर रेप हुआ हो गया जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है कि जबरदस्ती बलात्कार हुआ है या फिर आ, उसने बचपन में माता पिता ने निग्लेक्ट किया सभी पांच छह बच्चे हैं और एक को नेगलेक्ट किया उसको उत, वो चीजें नहीं मिली जो उसको चाहिए होती या फिजिकल एब्यूज किया या सेक्सुअल मोलेस्ट मोलेस्टेशन किया या फिजिकल अटैक किया बार-बार मारा पीटा पहले के बच्चे जो थे वो मार खा के बहुत ज्यादा होशियार बनते थे आज के जमाने में जो है ना बच्चे ज्यादा सेंसिटिव हैं क्योंकि ऐसी दुनिया है बच्चे दुख नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं आज के जमाने में तो इसीलिए अगर कंप्लेंट होती है तो टीचर पे वो मतलब कुछ ना कुछ केस फाइल हो जाता है लेकिन पहले मास्टर जी जितना मारते थे बच्चों को बच्चे भी खूब धुन के मार खाते थे माता पिता भी बहुत मारते थे बच्चे बहुत होशियार होते थे आप सब लोग ने भी, भी अपने मम्मी पापा और गुरु लोगों से मार खा है तो इसीलिए आप लोग इतने इंटेलिजेंट है आज का जमाना बदल गया है आज वैसा फिजिकल अटैक नहीं हो सकता इसी क्योंकि आज निगेटिव चीज ज्यादा उसको लिया जाता है पहले के जमाने में पॉजिटिव समझा जाता था जितना टीचर मारेंगे माता पिता मारेंगे उतना बच्चा ज्यादा होशियार बनता था इसी तरह से अगर किसी को चाकू से या पिस्तौल से या जैसे आप लोगों ने मूवी देखा विलन विलन मूवी जो है ना एक विलन उसमें वो बच्चे पे कितना असर होता है कि वो विलन बन जाता है ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स बहुत सारे होते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है या घर में आग लग गया नेचुरल डिजास्टर हो गया रॉबरी हो गया या कार एक्सीडेंट हो गया प्लेन क्रैश हो गया टॉर्चर हुआ किडनैपिंग हुआ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल हो गया या कोई भी एक्सट्रीम लाइफ थ्रेटनिंग लिया और वो दिख है बच्चे के दिमाग पे कितना असर होगा वो चीज वो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता है या असोल्ट हो गया या ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसकी वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है अब इसकी चिकित्सा हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे अभी आप लोग कुछ बताइए अब कंचन मैडम अभी मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ आप कुछ बोलिए इस टॉपिक पे कंचन मैम आप, आप सुन रही हैं ऐसे पेशेंट आपके पास आते होंगे सब जी सर गौरव सर बहुत आते हैं सर और बहुत अच्छा टॉपिक है सर और बहुत मतलब क्या बोलेंगे इसे हॉट टॉपिक बोल सकते हैं क्योंकि ना आजकल सभी डिप्रेशन में है ऐसे लगता है कुछ ना कुछ रीजन तो होता ही है और ये आ, पोस्ट ट्रॉमेटिक जो डिप्रेशन है बहुत सारे लोगों में दिखता है सर अभी एक मेरी केस चालू है ऐसी आ, जिसका डिवोर्स फाइल हो गया है मतलब तीन चार महीना हो गया अभी तीन महीना बाकी है उसके डिवोर्स फाइल को उसका उसको इतना मतलब सदमा लगा है कि आ, मतलब वो उससे निकलना चाहती है उसको मैंने अच्छे से काउंसलिंग किया कि देखो ये आप डिवोर्स करने के बाद भी वही कंडीशन रहेगी क्योंकि आपको थोड़ा तो लगेगा ही वो चीजों के बारे में या फिर एक तो पैचअप कर लो या फिर डिवोर्स ले लो तो उसने एक ही रू वे चूज किया अभी डिवोर्स लेने का तो उसने ना सर आईबीएस डेवलप मतलब की एक वातश ग्रहणी उसका डेवलप हो गया था तीन महीने में तो उसको मैंने ठीक कर दिया वातज ग्रहणी को अभी एटलीस्ट उसको रियलाइज हुआ है कि हम जो स्ट्रेस ले रहे हैं बार बार जो सोच रहे हैं उसकी वजह से ये बीमारी डेवलप हो रही थी अभी उसने काफी अच्छे से उसको खुद को मेंटेन करना स्टार्ट किया मतलब योगा प्राणायाम वगैरह सब कर रही है मेडिसिन प्रॉपरली खा रही है पर अभी और चार महीना शायद उसका वो डिवोर्स के लिए टाइम है तो बोलती है कि मेरे हस्बैंड मुझे बार बार मैसेज भेजते हैं या फिर कुछ फ्लावर्स लाके रख देते हैं रूम के बाहर या फ्रूट लाके रख देते हैं उसको रोज के रोज वो ट्रॉमा सहन करना पड़ रहा है तो हमने अभी से डिसाइड किया है कि कुछ दिन उसको जो हम आ, मन को शांत करने वाली मेडिसिन उसको अभी हम तीन महीना और खिलाएंगे आ, तो वो आ, आ, खुद भी अभी जैसे काउंसलिंग तो मेरा होता ही है वो आठ दिन में एक बार मुझे कॉल करती है एक्चुअली वो यूएस में रहती है वो सीए है मतलब काफी ब्राइट है वो मतलब ऐसा नहीं है कि उसको समझ नहीं रहा अभी मैं समझा रही हूँ तो उसको समझ रहा है कि हम इस पे अभी ज्यादा स्ट्रेस लेके कोई मतलब नहीं हम हमारी बॉडी को ही खराब करते हैं और एक ऐसे ही ऐसी ही केस है सर आ, एक छोटा बच्चा था उसको एग्जाम के लिए मतलब जैसे टेंथ में था आ, ये 2010 या 12 की बात होगी जैसे वो मेरे पास आता था तो मुझे हमेशा लगता था कि इसको एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है पर बस ये सोचते रहता है तो इतनी छोटी उम्र में इसको सोचने की आदत कैसे लगी तो वो उसके घर वाले सब उसके मम्मी पापा उसको मार्क्स अच्छा लाने के लिए उसको फोर्स करना पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर जैसे कि हर बच्चा नहीं ये बच्चा कैसे दूसरा अच्छा कर रहा है तू तो क्यों नहीं कर रहा है तो वो इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहा था कि उससे वो स्टडी जो करता था वो भी नहीं हो रहा था तो वो मेरे पास फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से काउंसिलिंग किया उसको मेधावटी वगैरह खिलाई सारस्वत रिश्ता पिलाया तो उसका टेंथ में भी अच्छा मतलब इतना बढ़िया तो मार्क्स नहीं आया था पर एटलीस्ट वो पास हो गया था उसके घर वाले को मतलब जो मम्मी पापा है उनको भी बुलवा के उनको सबको समझाया था कि उसको जितना वो कर सकता है उतना ही कर पाएगा वो ऐसे नहीं आप बोलेंगे नाइन्टी फाइव परसेंट लाए तो नाइन्टी फाइव परसेंट लाएगा ऐसे नहीं हो सकता वो जितना कर सकता है उतना ही करेगा आप उसके पीछे मत पड़ो तो वो एटलीस्ट उसने एग्जाम वगैरह भी अच्छा दिया फिर बाकी बाद में वो नॉर्मल होगी सब फैमिली वो बाद में भी आती थी मेरे पास बहुत सारी केसेस आती है सर ऐसे ये तो छोटी छोटी जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है एक पेशेंट और याद आ रही मुझे अभी उसके पापा की डेथ हो गई थी तो वो एक्चुअली उसके पापा की डेथ हो के तीन साल हो गए थे पर वही वही बार बार रोज रोज रोज, रोज पापा की याद निकाल के उसका रोना धोना वगैरह सब चालू ही था अभी अभी भी चालू ही है तो उसको भी ग्रहणी डेवलप हो गया था सर उसका तो उसको गृहनी के लिए मैंने ट्रीट किया उसको अभी भी मेडिसिन चालू है सर उसके मेंटल हेल्थ के लिए क्योंकि उसकी मम्मी बोलती इतना गुस्सा करती है। मतलब कोई चीज है जैसे कि उसको ट्रेन से कहीं और जाना है उसके मम्मी के साथ तो मम्मी पे इतनी चिल्लाती है वो कि बस मतलब उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि अब उसकी चिल्लाने पे मैं आप क्या करूं और अनमेरिड है थर्टी टू एज की है वो शादी भी नहीं कर रही है और बिल्कुल वो पापा को ले याद कर करके उसी में परेशान रहती है तो उसमें उसमें हमने अभी थोड़ा सा मानसिक जो उसका आप जैसे अभी बोले ना कि जैसे पित्त बढ़ने से जैसे रजोग रजोग गुण दिखता है और तम गुण बढ़ने से हमें कफ वाले सिम्टम्स दिखते हैं तो सेम वैसे ही उसमें उस सर पित्त बढ़ा हुआ लगता है मुझे हर बार तो मैं उस पर ही काम कर रही हूँ तो मुझे रिजल्ट तो आ रहा है काफी अच्छा रिजल्ट आया है उसके मतलब जो अभी के टाइम पे वो बहुत गुस्सा मतलब करती थी उसकी मम्मी जब भी आती है उसकी के साथ ही आती है, तो उसकी बोल रही है अभी कि उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आई काफी काम डाउन हुई है तो आ, बहुत सारे पेशेंट है सर बहुत बताने के लिए बहुत सारे पेशेंट आएंगे सर जी सर ठीक है आप बाकी लोग बताइए डॉक्टर प्रशांत जी अभय सर अश्विनी मैडम महेंद्र हाँ सर बताइए सर एक बहुत अच्छा केस मुझे भी याद आ गया मेरे पास करीबन दो साल पहले एक बच्चा आया था अः जिस, जिसका उम्र करीबन पंद्रह सोलह साल होगा होगी तो वो अपनी बुआ के यहाँ रहने आया था तो बुआ के जब रहने आया तो उस बुआ की लड़की ने उसके साथ कुछ गलत हरकत की और उसका सेक्सुअल हरसमेंट हुआ और उसके कारण वो डिप्रेशन में चला गया था और चूंकि वो सब आर्मी के आर्मी के लोग थे पूरे मतलब आर्मी के उनके जो मतलब फूफा जी थे वो सब आर्मी में नौकरी करते थे वहीं पे तो उसका काफी इलाज कराया और लेकिन वो नहीं हुआ ठीक फिर उसको मेरे पास लेके आए थे यहाँ पे तो पहली बात तो वो बताया नहीं किसी कभी किसी ने उसका मतलब उसने ऐसा कि हमारे साथ ये मेरे मतलब बुआ के लड़की ने ऐसी गंदी हरकतें की तो जब हम हम बैठे रहे दो तीन दिन हमने उसको बुलाया तो दो तीन दिन तो उसने कुछ नहीं बताया फिर हमें चौथे पांचवें दिन उसने बताया कि कि इनका लड़का है उसने हमारे साथ ऐसा किया और उसके कारण हमें मतलब बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस हुआ और हम मतलब डिप्रेशन में चला गया पढ़ने में मन नहीं लगना और चढ़ गुस्सा करना खाना नहीं खाना ये सब चीजें उसकी चलती नहीं तो उसकी काफी दिन मतलब मैंने पंद्रह बीस दिन उसकी काउंसलिंग की थी तो काउंसलिंग करके फिर आपका ये शिरोधारा नस और सर्वांग सभी किया और संज्ञा स्थापन करना सब दवाइयां भी दी तो तब जाके वो एक डेढ़ महीने में ठीक हो गया था ऐसे ही एक केस मैंने और देखा था कि एक मतलब एक और पेशेंट है क्रिश्चियन थे वो तो उनके यहाँ पे उनका लड़का था और उन, उसकी एक बहन थी तो बह, बहन की सहेली उसके यहाँ पे रहने आई तो ये जो लड़का था वो उससे करीबन तीन चार साल छोटा था तो वो थोड़ा सा उसकी मतलब उसके उसमें आकर्षण में आ गया और वो एक तरफा उससे प्यार करने लगा और एक दिन जब उसने उसको मतलब उसको मतलब उसने अपना प्यार का इजहार किया तो लड़की लड़की ने उसको बहुत डांटा और उठ पटांग बोला और उसके पापा से शिकायत कर दी तो वो जो मतलब माहौल इतना गंदा बना दो तीन महीने के लिए पूरे मतलब घर में तो उसके चलते में वो डिप्रेशन में चला गया था और वही सब चीजें मतलब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आना और मतलब बहुत ज्यादा गालियाँ देना मारना इस टाइप की हरकतें करने लगा था और उसका भी सर फिर वो काउंसलिंग करके और फिर सब फिर इलाज किया तो वो भी ठीक हुआ पर ये सब चीजें मिलती हैं मतलब जो मैंने बताया आपके लिए जी सर जी इस टॉपिक पे महेंद्र सर हरिहर सर आप कुछ वर्षा मैडम जी शशि सर, नमस्ते। सर, नमस्ते। सर, नमस्ते। हाँ। उस, हाँ। दो दिन पहले थी, तो सिर्फ पिकल्स का ही उन उसने मुझे रीजन बताया था लेकिन मैंने आज रिपीट उसको बुलाया था सर तो हाँ। वो आई तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ तो छुपा रही है तो मैंने थोड़ा उसको ऐसे ये करने के जैसे आप बोलते चिक करते रहना चाहिए ऐसे पूछा सर मैंने उसको तो जोर से रोने लगी और उसका पास्ट कुछ रिलेशन था और वो बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया कुछ फिजिकल हरेसमेंट किया वो सब बोल के रोने लगी सर वो और वो हेतु जो मैं कल परसों बहुत उसको पूछ रही थी कुछ भी नहीं बोली तो आज वो पता चला सर कि इसको बहुत मेंटली ये है स्ट्रेस्ड है और वो कुछ कुछ तो कुछ किसी को शेयर नहीं किया इसलिए उसको ये सब प्रॉब्लम हो रहा है सही बताया आपने और पेशेंट एक बार नहीं ओपन होते हैं उनको कभी दो महीना तीन महीना लगता है डॉक्टर पे विश्वास होने के बाद फिर वो ओपन होते हैं हाँ।, हाँ हाँ तो ये ये आपने सही किया कि हेतु निकाला अब आपको पता चल गया क्या क्या हेतु है अम्ल रसात्मक और लवन रसात्मक सेवन ज्यादा है कटु रसात्मक पित्त की भी चिकित्सा करनी है मन की भी चिकित्सा करनी है हाँ सर इसमें तो वो जो पिकल बोल रही थी शायद वो तो uh, भी हेतु नहीं होगा जितना उसने आज बोला बहुत कुछ बोला और रोई भी तो वो खुद बोल रही है कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है उससे होता है कोई बात करे से तो ऐसे होता है हार्ट बीट एकदम हाई होता है उससे ही बीपी हाई हुआ है सर वो कॉज तो आज ही एक्चुअल हेतु यही है सर उसका हाँ, तो आपको मजा आया ना ये सब जान के हमारा जो है वो यही चीज सिखाते हैं हम लोग ये हेतु निकालिए हेतु फिर संप्राप्ति क्या हुई कैसे कैसे दोष दूष लक्षण निकालिए एक दूसरे से को रिलेट करिए ऐसा नहीं कि केस किसिंग कर रहे हैं और हेतु का और संप्राप्ति का कोई संबंध ही नहीं आ रहा है आलतू फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है ऐसा मत करिए हमें उसका कंक्लूजन क्या है क्यों हुआ है वो निकालना चाहिए सही uh, तो किया आपने तो आप क्या चिकित्सा देंगी आप अश्विनी मैम उसको कल परसों मैंने सिर्फ क्षेर वाला दिया था सर और वो बोली कि दो दिन मुझे बहुत अच्छा नींद आया और थोड़ा हल्का लग रहा है ऐसे बोली सर और रक्त पाचक इतना दिया था अभी मैं उसको आपने बोला ना सर ये आपका म्यूट हो गया आपने म्यूट किया या लाइफ में हाँ। हाँ, हाँ, तो एक अच्छा लड़का आने वाला है हाँ हाँ सर कन्विंस किया सर मैंने उसको काउंसिल किया फिर वो कुछ भी नहीं बात करी थी टू डेज बैक तो आप आज बहुत सारा हाफ एन आवर तक बात करके पूरा हल्का होके गई सर वो हाँ जो दुख है ना वो निकाल दिया उसने आपके सामने तो वो आपने yes. कर दिया काउंसलिंग हाँ अच्छा अच्छा किया आपने चलिए और कोई बताना चाहते हैं बताइए महेंद्र सर गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग ऐसे टॉपिक में तो आयुर्वेदिक चिकित्सक ज्यादा सक्सेसफुल हैं इतना एलोपैथी साइंस नहीं करते जितना हम अच्छे से करते हैं काउंसलिंग शशि मैम नहीं तो आप पहले सुनिए मैं जो बताता हूँ अच्छा शशि मैम बोलिए आप हाँ जी सर गुड इवनिंग सर मैं तो अपने सारे पेशेंट में कम से कम स्ट्रेस वाला हेतु तो जरूर निकालती हूँ मैं जरूर पूछती हूँ कि किस बात का स्ट्रेस है हालांकि इस तरह के वाले मतलब क्रिटिकल टाइप पे तो नहीं आए हैं बट स्ट्रेस का है तो हमेशा ही मिलता है मेजोरिटी पेशेंट्स में जब आप पूछना शुरू करेंगे चाहे वो पीसीओडी की तकलीफ हो और चाहे कोई चीज की हो सब में एक मैंने जब देखा है कि कोई कारण नहीं मिलता तो एक कारण जरूर मिलता है वो है स्ट्रेस का अब स्ट्रेस से चाहे कंडीशन उस तरीके से है चाहे पेशेंट का खुद ही थॉट प्रोसेस ऐसा है कि रजोगुण बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा उल्टा पुलटा सोचने की आदत होती है लोगों की इस तरह की परेशानियां होती हैं तो उस वजह से आता है स्ट्रेस फैक्टर तो हर जगह रहता है और कई बार क्या होता है जो ब्रेकअप वाला कंसेप्ट होता है सर ये इस तरह की ज्यादा चीजें आती हैं जैसे जब भी पेशेंट आते हैं टैकी कार्डिया वगैरह के तो उन सारे केसेस में रहता है कि उनका कहीं ब्रेकअप हुआ है अफेयर था या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह रहे हैं तो इस वजह से ये सब सारी चीजें आई हैं बच्चों के केस में कुछ कुछ चीजें पूछी है लेकिन वहां पर मेजोरिटी बच्चे वही बता देते हैं कि एग्जाम उग्जाम का स्ट्रेस पर मैं कहूंगी कई बार ऐसा होता है जैसे मान लीजिए बच्चे दूसरे के घर में जाते हैं वहां पर उनकी प्रॉपर परवरिश नहीं होती है या वो कह सकते हैं उनको प्यार और सम्मान नहीं मिलता है तो वहां पर भी उनके अंदर एक ट्रॉमा क्रिएट होता है और उसकी वजह से उनका जो एग्जाम का या कह सकते हैं कि पढ़ाई का परफॉर्मेंस है वो उनका काफी हद तक बिगड़ जाता है और उसको उनको रिगेन करना काफी मुश्किल सा हो जाता है तो इस तरह के केसेस तो बहुत होते हैं और हर जगह मानसिक हेतु तो, तो होता ही होता है और हम मानकर चलते हैं कि भाई मानसिक हेतु है इट मीन केवर सत्तों का पेशेंट है तो सत्व के हिसाब से ट्रीट करते हैं जी सर सर और ना आप को ऐसा अनुभव सदा सुखी जो जिनको शर्म नहीं है वो ज्यादा सुखी रहते हैं इसीलिए जब हम लोग का एडमिशन होता था ना उस जमाने में तो रैगिंग होता था रैगिंग के टाइम पे पूरा इज्जत की धज्जिया उड़ा देते थे

तो वहां पे लड़की की तरह डांस कराते थे क्लासरूम में मारते थे फिर बोलते थे तुम लड़की बनो तुम लड़का बनो और इसको पटाओ ऐसे इतना होता था ना मतलब इतना रैगिंग होता था इतना होता था कि मतलब रैगिंग के वजह से बच्चे इतने स्ट्रांग हुए आज मेरे क्लासमेट मुंबई जैसे स्लम एरिया में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं और जीपी कर रहे हैं पंद्रह पंद्रह लाख महीना कमा रहे हैं इतना स्ट्रांग बन गए वो लोग रैगिंग की हाँ सर ये तो होता है एक चीज मैंने लाइफ में देखा है जिन बच्चों की रैगिंग नहीं हुई जैसे हमारे साथ जो लोग थे उनका जो थॉट प्रोसेस है वो तो आज भी नहीं बदला है तो मेरा ये मानना तो है कि कॉलेज की एक रैगिंग होती है और एक बार कई बार लाइफ आपकी बहुत बढ़िया रैगिंग लेती है और रियल में आप बनते ही वही कहते हैं परिस्थितियों से या तो इंसान टूटता है या निखर जाता है या बिखरता है या निखरता है तो निखरने के लिए ऑबस्ट्रकल तो चाहिए लेकिन कई बार इंसान उन ऑब्स्टेकल से नहीं निकल पाता है तो उन लोग के साथ ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बट होता है, होना चाहिए। जी सर, सर। था। आ, जी, सर अरे एक क्वेश्चन ये था कि, मेरे पास एक पेशेंट आए थे आज करीबन पचास साल के थे और उन्होंने काफी मतलब नागपुर में दिखाया और साइकिल को दिखाया और न्यूरोसर्जन को फिजिशियन को दिखाया उन्होंने मुझे बताया कि जब वो आंखें बंद करते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनकी मतलब उनका उनके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं वो मरने वाले हैं और उनकी आत्मा बाहर निकलने वाली है और जैसे ही आंख खोलते हैं तो सब ठीक हो जाता है और जब भी आंखें बंद करते हैं तो चक्कर आते हैं और उनको ऐसा लगता है जैसे कि हमारे हाथ पैर चले गए हो शून्य हो गए सब कुछ तो इसके अलावा और ये, कोई सिम्टम्स नहीं बताया उन्होंने कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिप्रेशन है माइंड फीमेल तो तो पेशेंट है ना नहीं नहीं मेल पेशेंट है तो अच्छा, मैंने मेरे पास सा कैसी है तो मैंने उनसे थोड़ा सा मतलब पूछना चाहा क्योंकि आपने अभी दो तीन दिन पहले ही बोला था ना कि एक बार मतलब एक पेशेंट देखा था मैंने उनको एक, अभी कल परसों की बात है आप बता रहे थे ना कि मतलब उनको दिमाग में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे चीज याद थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप आपकी शादी कब हुई तो उन्होंने बोला कि हमारी शादी बीस साल में हो गई थी तो मैंने कहा आपके संबंध कैसे रहे तो बोले बोलते थे हम दिन में पांच पांच बार करते थे एक दिन में पांच पांच बार करते थे और अभी हमने दो तीन महीने से ही हमने कम किया करना हम चार चार पांच पांच बार अभी भी करते हैं तो हमें लगा कि शायद एक हेतु ये हो सकता है अच्छा वो जो उनका जो सिटी मतलब जो सिटी था उनका वो सिटी ब्रेन लेके नहीं आए थे तो मैं डायग्नोसिस बना ही नहीं पाया पर मुझे हेतु उनके बहुत सारे मिले एक तो शुक्र छह का हेतु मिला एक बिल्कुल टंग उनकी कोटेड थी मंदग्नि और आम की सूचक थी उसके बाद मल मूत्र छीक जमाई डकार भूख प्यास इनके ये सभी चीजें करते थे वो और दिन में सोते थे बिना भूख के खाना खाते थे विरुद्ध आहार का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे थे दूध और नमक दूध और केला दूध चावल और दूध में नमक डाल के खाते थे और उपास जब करते थे तो दूध और फल का सेवन करते थे और दही का सेवन बहुत ज्यादा करते थे दिन में सोते थे काम शोक चिंता तनाव क्रोध ये सब चीजें थी उनके उसमें तो क्या मतलब क्या हो सकता है इसका मतलब धातु तो और उसका माइंड पे इफेक्ट अच्छा 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 वही मुझे लगा काम शोक भयाद वायु वाला हिसाब का हाँ, काम भी ना काम शोक काम गदोत टाइप का हो गया ना वातस गदोत और बोले थे कि हम हम एक एक बार में रोटी 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 खा लेते हैं 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 सुबह खाते खाते शाम को खाते हैं। तो मैंने कहा जब आपको शाम को भूख नहीं लगती तो आप इतना खाना क्यों खा रहे हो तो अब उनको हमने बताया हैगा और कल या परसों आएंगे वो अपना उसका सिटी चेस्ट लेके अच्छा मुझे इसके वो इसके बताना है जो वो मेरे पेशेंट थे ना जिनको इन्फेक्शन था ब्रेन में तो उन्होंने दो दिन नस् किया आठ आठ ड्रॉपर भर के तो आज उनका फोन आया कि दो दिन में ये हुआ कि बिना वॉकर के वो चल पा रहे हैं वो अमरावती जा रहे हैं आज और फिर वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे भी आके बताएंगे सब चीज मतलब इतना हुआ कि जो बिना सहारे के नहीं चल पाते थे वॉकर पेन लेके चलते थे से इतना फायदा हुआ है उनको हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और और उन्होंने ये भी कहा कि आपका आम पाचक बटी से भूख लगने लगा पेट साफ होने लगा दो बार अच्छे से पेट साफ होता है एक सुबह और एक शाम को और भूख लगने लगा सुबह ब्रेकफास्ट करने लगा और ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा तो ये बात है और किसी को कुछ बोलना है महेंद्र सर हाँ बोले यहाँ पे भी सर मज्जा धातु की दृष्टि हुई है शुक्र क्षय करने से हाँ जी तो यहाँ पे भी वो सब मतलब नस ही देनी पड़ेगी ना इस केस में हाँ जी चलिए जी सर ठीक सर थैंक यू तो आपने सभी कारण बता दिए लेकिन एक एक अभी पेशेंट आया है कल ही तो वो डेढ़ उसने एम के जो ये प्रोडक्ट आते हैं वजन घटाने के ये काम लिया और उससे उसके एकदम तनाव हो गया उस तरह से सोचना उल्टी की बातें सोचना मरने के बारे में सोचना या सुसाड़ के बारे में सोचना इस तरह की तो इससे इससे हो सकती है डिस्ट्रॉफी मेंटली होती है ना कहीं पर भी मार्ग अवरोध हो रहा है अग्निमंद हो रहा है तो उससे भी डिस्ट्रॉफी मतलब अपतर्पण जन्य हो रहा है ना होता है ना तो हाँ और न मेरे पास ऐसा मुझे अनुभव है कि निर्लजम सदा सुखी जो निर्लज होते हैं जो ये छोटे मोटे अफेयर ब्रेकअप इन सब से नहीं फर्क पड़ता ना उनको कोई ये नहीं होता कभी डिप्रेशन नहीं होता है वो दूसरी लड़की पटाते हैं तीसरी लड़की पटाते हैं वो इसी में रहते हैं और ब्रेकअप भी हो गया ना तो लड़कियां भी आजकल ऐसी हो गई है कि ब्रेकअप तो ब्रेकअप दूसरे दिन दूसरे लड़के के साथ निर्लजम सदा सुखी ऐसा नहीं लेकिन जी जी हाँ पढ़ा लिखा आदमी और इमोशन आदमी और बहुत हाई क्वालिफाई आदमी ही डिप्रेशन में जाता है जो मतलब जो एक मतलब मिड वाले होते हैं ना उन्हें कभी कोई डिप्रेशन होता नहीं है वाले रहते हैं या तो आँ. हाई मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होगा तो बहुत डिप्रेशन में जाएगा या बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा वो डिप्रेशन में जाएगा हाँ जो सेंसिटिव है या जिसने मेहनत की है बहुत ज्यादा और उसके लाइफ में कुछ ऐसा चीज हो जाएगा जो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ वो फिर सुसाइड कर लेगा या डिप्रेशन में जाएगा तो ये पोस्ट रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है ना तो इसको हम लोग साइंस और सिम्टम से देखते हैं या साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन करते हैं जैसे अश्विनी मैम ने उसने जब बताया तो इवेल्युएट किया साइकोलॉजिकल क्या कंडीशन है तो अगर वो डिप्रेशन में है बहुत ज्यादा तो ये कफज की तरफ जा रहा है बात कफज जैसे कि कोई शॉक बैठा है उसके तो चल गुण का वायु का चल गुण बढ़ गया और कफ स्थिर गुण कम हो गया तो इसकी वजह से मन बहुत एंगजाइटी में हो रहा है तो इसमें मन पे काम करने वाली दवाइयां जैसे द्राक्षादी कषायम कल्याणक कषायम धानवंतर कषायम कषायम ये सब देना चाहिए जो बृहण भी करे पोषण करे मन का भी पोषण होना चाहिए रस धातु का भी पोषण होना चाहिए दीपन पाचन अवलोमन दवाइयां देके सारस्वत चूर्ण देते हैं पांच पांच ग्राम सुबह शाम शहद के साथ खाने के बाद देते हैं अश्वगंधादि चूर्ण देते हैं पांच पांच ग्राम सुबह शाम दूध के साथ वो बहुत अच्छा फायदा करता है कपी कच्छू का चूर्ण हर मानसिक व्याधि में हमें शुक्र पे काम करना है जितना क्योंकि शुक्र जितना रहेगा उतना उत्साह रहता है हर्ष रहता है तो कपी कच्छु का चून देना चाहिए उसी तरह से सिद्ध मकर ध्वज देना चाहिए मानस मित्रकु टिका ब्राह्मीवटी फिर पूर्ण चंद्रोदय फिर आ, आ, ये अवलेह जो है अपने जैसे धातु पोषक रसायन वगैरह वो देना चाहिए अश्वगंधा लेहम देना चाहिए कल्याण घृतम महाकल्याण घृतम फिर कुष्मांडृतम महापंचव्य घृतम महापैशाची घृतम फिर आसवरिष्ट में अश्वगंधा रिष्टम सारस्वत धनवंतरिष्टम बला रिष्टम देवदादम अभ्यंग कराना बहुत अच्छा रहता है उससे मेंटल स्ट्रेस कम होता है बला बलाअशंधा दि लाक्षादि तेलम धानवंतर तेलम शीरबला तेलम से शीरो बस्ती करते हैं शीरबला तेल या चंदन चंदनबला लाक्षादि तेल मात्रा बस्ती शीर वाला तेल कषाय बस्ती देना है तो मुस्तादी यापन बस्ती जो है यापना सिद्धि अध्याय में मुस्तादी यापन बस्ती से माइंड पे बहुत अच्छा काम होता है नस् देना है तो ब्राह्मी तेल है ज्योतिषमती तेल है वचा तेल है ऐसे बहुत सारे तेल है वह नस् देना है संज्ञा स्थापन गण खाने के लिए भी दे उसका वर्ती बना के धूम दे उससे अच्छा फायदा होता है योगा और प्राणायाम करें उससे भी माइंड बहुत अच्छे से ठीक होता है और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक देना पड़ता है ऐसा नहीं कि आपने सात दिन दिया पेशेंट ठीक हो गया ऐसा नहीं है उसको टाइम देना पड़ता है अब है तो सर आप कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पर माइंड डाइवर्ट करना भी चिकित्सा है क्योंकि ऐसा बताया है कि काम से काम अगर है तो क्रोध दिलाना चाहिए क्रोध है तो ऐ, ऐसे कुछ कुछ बताया ना वो चिकित्सा में कहीं तो बताया ये चीज एक चिकित्सा और हम दे सकते हैं कि अगर भाई किसी की वाइफ छोड़ के गई तो उसकी आप दोबारा शादी करा दो या हाँ? गर्लफ्रेंड ने धोखा तो दिया तो तो एक नई गर्लफ्रेंड बन जाए हाँ? तो ये एक बहुत अच्छा इलाज है जो मतलब हाँ? मैंने अपनी चिकित्सा में अप्लाई किया सर हाँ सर ज्वर चिकित्सा में है कि काम को क्रोध से जीता जाता है या क्रोध को काम से जीता जाता हाँ हाँ और भी ऐसे चार पांच चीजें हैं ज्वर चिकित्सा में बताया मुझे अभी ज्वर में तो काम का है क्योंकि कामत ज्वर होता है ना हाँ, तो काम से, तो से... भी होता है। आप ये देख के नेक्स्ट में बताइए वो चिकित्सा जो है ठीक है वीना मैम कुछ बोलना चाहती है हाँ सर रजत और तमका अधिक ज्यादा होता है इन लोगों में काउंसलिंग तो हमेशा ही करना पड़ता है थोड़े थोड़े दिन के बाद आगे। आगे। तो तो उनको गुरुत, वो पहले करती वातज में है तो, और उसके बाद पित्त कफज है तो विरेचन सौम्य विरेचन देती हूँ और सारस्वतारिष्ट मानस मित्र गुटिका और जटा मांसी अक्कल काढ़ा आमल की खुरासनी ओवा और ज्योतिषमती इनका और आपने बोल दिया ना कपी चूर्ण तो वो भी देती हूँ या कपी कच्छू बीज शुद्ध करके घृत दु, दुग्ध में तो उसका मावा बना के वो भी देती हूँ खाने को और बस्ती देती हूँ सर निरूह देती हूँ दशमूल का और सहचर बस्ती सर्चर तेल का अनुवासन हाँ सर इतना ही देती हूँ थैंक यू हाँ। चिकित्सा आप कुछ भी दीजिए लेकिन हेतु पहले निकालिए हम हाँ, हेतु निकालती हूँ ना हेतु हाँ और पेशेंट एक दिन में नहीं बोलेगा उसको टाइम लगेगा हाँ, लेकिन... हाँ सर हाँ मेरे पास एक बच्ची आई थी ट्वेंटी नाइन ईयर्स की उसको एडिनोमाइसिस है और एंडोमेट्रोसिस Heavy mansys, PCOD, red, और की है, उसका जब वो चौदह साल की थी तो मतलब स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में ही ना वो उसका अफेयर था और सेक्सुअल रिलेशनशिप था तो उसने बॉयफ्रेंड ने छोड़ के भाग गया फिर उसने दूसरा किया उसके साथ भी वो ऐसे हो गया वैसे डिसऑर्डर से ही ये सारे प्रॉब्लम है एंडोमेट्रियोसिस फाइब्रॉइड पीसीओडी ये जो रिलेशनशिप ब्रेकअप 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 उसके दिमाग में बहुत असर हुआ है तो अभी उसकी शादी हो गई लेकिन वो अपने दूसरे एक बॉयफ्रेंड के साथ कर रही है तब भी उसको शांति नहीं मिल रही है क्योंकि गिल्ट फील हो रहा है मतलब क्या होता है एक बार रास्ता खराब निकल गए ना संस्कार विहीन हो गए तो वो रास्ते में फिर मानसिक शांति नहीं मिलती और बीमारी ठीक करना मुश्किल होता है इसीलिए भारतीय संस्कृति में संस्कार और कल्चर जो है ना उसका बहुत ज्यादा महत्व है हाँ आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं इसीलिए पूजा पाठ करना चाहिए व्रत वैकल्य सब जरूरी होता है हाँ बोलिए सर सर हमारा आयुर्वेद भी तो यही बोलता है कि हमें किसी के बारे में ना बुरा करना है ना बुरा सोचना है ये सब करना है मतलब प्रज्ञा अपराध तो हो ही रहा है आपका भले किसी को कुछ नहीं कर रहे लेकिन आप गंदा सोच भी रहे हैं हाँ, तो वो भी तो एक मतलब गलत है मतलब वो भी तो प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं हाँ, तो हाँ, तो आप एक तो आयुर्वेद साफ ही गया है ना कि ये सब चीजें नहीं करनी आचार रसायन और सदवृत का पालन करना ये बोला है कायिक वाचिक मानसिक कोई पाप नहीं करना है किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है क्या है ना जो हमारे लिए बुरा सोच रहे है लेकिन हमारा कर्म बुरा नहीं होना चाहिए हम उसके लिए अच्छा सोचे ऐसा हमें करना है और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं लेकिन हमें उससे रक्षा भी करनी है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह बताया कि अपने रक्षा के लिए आपको शस्त्र उठाना भी है सारे देवी देवताओं ने शस्त्र उठाए रक्षा करने के लिए नुकसान मत पहुंचाओ बुरा मत सोचो लेकिन कोई आप पे अटैक करेगा तो आपको रक्षा भी करनी है खुद की हाँ बोलिए और वर्षा मैडम जी आप कुछ बोलना चाहती हैं अश्विनी मैडम बोलिए हाँ सर सर इसमें महाकल्याण ग्रहता इंटरनली और बस्ती में भी दे सकते हैं ना बस्ती में नस्य में सब में दे महापंचगव्य ग्रहित का, का नस्य दीजिए ना बहुत मजा आता है उससे बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा सर हाँ होता है ना उसका मन जो है वो अच्छा है, सोचेगा तो डिप्रेशन में वो नहीं जाएगी तो बीपी अपने आप अप ठीक हो जाएगा yes, जी शुक्र धातु भी अच्छा करना है इसलिए बंग भस्म दीजिए वृक्ष योग दीजिए लड़की है तो क्या हुआ वृक्ष योग दीजिए जितना उसका शुक्र बढ़ेगा उसका मन खुश रहेगा हर्ष रहेगा तो वो अपने आप वो ठीक हो जाएगी सुबह उठ के वॉकिंग करने को बोलिए yes, आप लोग खुद ही सोचिए जब हमारा सेशन होता है तो बीच में आधा घंटा का गैप होता है ना उस टाइम आप थोड़ा वॉक करके आइए इतना मन प्रसन्न होता है ना सुबह के वॉकिंग से वो भी एक चिकित्सा है जी और किसी को कुछ बोलना है इसपे तो बहुत बातें हो सकती हैं अभी टाइम हो गया है मैं सेशन बंद करता हूँ थैंक यू प्रणाम सभी लोगों को अब हम नौ बजे मिलते हैं थैंक यू सभी को प्रणाम